हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में आ गई हैं वैकेंसियां। कई प्रकार की वैकेंसियां यहां पर आई हुई हैं, जो मैं आपको यहां पर सामने दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन आपको खोल करके दिखाता हूं कि इसका नोटिफिकेशन कहाँ पे है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में वैकेंसियाँ आ गई हुई हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस HPCL का एक ज्वाइंट वेंचर है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्लस HPCL का एक ज्वाइंट वेंचर है, इसमें वैकेंसी आई हुई है। कितनी प्रकार की वैकेंसी आई हुई है सब मैं आपको बताऊंगा। आवेदन कैसे करना है बताऊंगा आपको। पैसा आपको कितना मिलेगा, पे स्केल कितने का है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग कितने साल की रहेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले कितनी वैकेंसी आई है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वैकेंसी अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, टोटल 126 वैकेंसी आई हुई है। 20 मार्च यानी कि कल की डेट से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया और 15 अप्रैल तक आपको इस फॉर्म को भर लेना है। जो एज कैलकुलेशन है 11 मार्च 2024 से होगा। फॉर्म किस तरीके से भरना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम वैकेंसी पे चलते हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स, उनकी वैकेंसी 60 है। 30,000 से 1,20,000 का पे स्केल है। इसी तरीके से सीनियर इंजीनियर प्रोसेस, रिफाइनरी, ऑफ साइट प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, यूटिलिटीज, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस एंड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल पेट्रोकेमिकल, सीनियर इंजीनियर इंस्पेक्शन, रिलायबिलिटी मेंटेनेंस, और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इतने प्रकार की वैकेंसी आपकी एग्जीक्यूटिव पदों के लिए है। अब एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट दोनों ही अलग अलग है। यहाँ पर दोनों की सैलरी भी यहाँ पर अलग अलग है, बेसिक पे भी दोनों का अलग अलग है। बेसिकली तीन प्रकार की पोस्ट की वैकेंसी आई है, E0, E3 और E5। तीन प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि डिप्लोमा लेवल की जो वैकेंसी है, उसमें आपका केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या पेट्रोकेमिकल में हो, या फिर शुगर टेक्नोलॉजी में हो, केमिकल इंजीनियरिंग में हो, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में हो, ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन 60% से आपका कम नहीं होना चाहिए। साथ ही आपका अगर BSc है तो भी आप उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फिटनेस, फिजिकली आप फिट होने चाहिए, जो कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू वो आपका यहाँ पर फिटनेस टेस्ट ले लिया जाएगा। ये थोड़ी सी डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसी। उसके बाद में सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, जिसमें 4 साल का फुल टाइम रेगुलर कोर्स मांगा है BE/BTECH का, जिसमें अगर आपके पास BE है या BTECH है तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ में यहाँ पर एक्सपीरियंस वैकेंसी भी है, 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपका किसी में भी, चाहे आपका रिफाइनरी में हो, हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट में हो, हाइड्रो ट्रीटर प्लांट में हो, डिलेट कुकर यूनिट में हो, तो इस तरीके से कहीं भी है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जो सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है आपका E3 की, वो ही क्राइटेरिया आपका कुल मिला करके आपका सेकंड नंबर की वैकेंसी से लेकर के आपका जितनी भी E3 की वैकेंसी है सब में ये है। E5 में भी सेम चीज़ है, बट आपका बस खाली जो क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है सेम है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग लिया है, बाकी चीज़ें सेम है। अगर आपके पास 12 साल का अनुभव है तो आप E5 की वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सबके पेमेंट एंड बॉन्ड्स अलग अलग हैं, मैं उसकी जानकारी आपको आगे देता हूँ। फॉर्म किस तरीके से भरना ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, पे स्केल जो है E0 का 30,000 से स्टार्टिंग है, E3 का 60,000 से, और E5 का 80,000 से स्टार्टिंग है। इसी तरीके से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, सीनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से वैकेंसी है। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको यहाँ पर रेगुलर कर लिया जाएगा। ये बेसिक पे है आपका, इसके बाद में टोटल सैलरी आपकी लगभग इतनी यहाँ पर बनने वाली है। प्लेसमेंट पोस्टिंग आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, तो इस तरीके से है आपका। वैसे तो राजस्थान में ही पोस्टिंग होने का ये है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। दोनों का ही अलग अलग टेस्ट होगा, जिस जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनका टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे CBT किया जाएगा, और प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टेक्निकल टेस्ट होगा। दोनों ही टेस्ट होकर के आपका जो स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिला करके फिर आपको मेरिट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, उसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं किया जाएगा, बट आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों लेकर के आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं, तो आप भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब आवेदन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं फीस कितनी लगनी है। 1180 रुपये की फीस लगेगी अनरिजर्व ओबीसी EWS कैंडिडेट को, और आपका
जो SC ST कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी है, तो आप यहाँ पर आवेदन बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एक चीज जानने वाली है कि E3 और E5 में जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको अपना रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। रिज्यूमे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, रिज्यूमे का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ। रिज्यूम भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस वैकेंसी पे कैसे जाना है, आप मेरी वेबसाइट knowledgedate.com पर भी जाकर के इस वैकेंसी पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके से वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर इस तरीके से आपकी जितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली क्लिक करके फिर मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वैकेंसी पे आप डायरेक्टली आप फॉर्म फिलअप की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। knowledgedate.com पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है, सबसे पहले मैं बता दूँ HRRL इसका ये लिंक है। HRRL आपको यहाँ पर जा करके गूगल में आपको HRRL करके टाइप कर देना है और इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। करेंट ओपनिंग में करियर में जाएंगे, डिटेल एडवर्टीजमेंट जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर मिल जाएगा। जो रिज्यूम था मैं बोल रहा था वो रिज्यूम आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो रिज्यूम को आपको इस तरीके से PDF फॉर्मेट में हम देख लेते हैं, इस तरीके से रिज्यूम है। इस रिज्यूम को आपको पूरी तरीके से भर के अपलोड भी करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद में आवेदन कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई के लिए आपका आवेदन आ जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने आप यहाँ पर आवेदन कर देंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई, ओके करेंगे आपको फ्रेश वेबसाइट पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। सेंटर नेम आपको कहाँ का चाहिए आप इस तरीके से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मिडिल फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है तो डालना है, नहीं तो सर नेम डालना है, स्पाउस नेम या फिर फादर नेम आपको डालना है, एड्रेस आपको भरना है, पिन कोड भरना है, सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट होम टाउन सारी चीज़ें भर करके आपको यहाँ पर कर देना है। पैन नंबर यहाँ पर मैंडेटरी है, पैन नंबर आपको डालना ही डालना है, आधार नंबर डालना है ये ऑप्शनल है, आईडी प्रूफ एक कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी, गवर्नमेंट आईडी किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसका आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालना है या फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कन्फर्म करना है ईमेल आईडी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे इस तरीके से, और कास्ट कम्युनिटी यहाँ पर लिख करके आपको आवेदन कर देना है। उसके बाद में आपका जो डिग्री है ब्रांच है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से आपने किया हुआ है मतलब किस ब्रांच से किया हुआ है, कितने साल का कोर्स है, कितने परसेंट मार्क्स क्या आप है आप क्या है, और किस साल में आपने ज्वाइनिंग की थी और साथ ही किस साल में आप पास आउट हुए, इस तरीके से आपको ये इस तरीके से फॉर्म को कर जाना है। इस तरीके से मैं इसको सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको ये कर देना है। उसके बाद में CGPA है तो आपको आवेदन कर देना है, बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है, IFSC कोड डाल देना है, बैंक का नेम डाल देना है, ब्रांच नेम डाल देना है, और अपना रिज्यूम जो मैं बता रहा था देखिए आपको रिज्यूम यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में फोटो आपको अपलोड कर देनी है, एक ही बार आप अपलोड कर पाएंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ टिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना। ये था प्रोसेस आपको फॉर्म भरने का, इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ से सीधा पेमेंट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मोटी मोटी जानकारी थी ये मैंने आपको दे दी है, अगर इस वैकेंसी को आवेदन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और इसका आवेदन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, या कोई भी आपको जानकारी किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जानकारी आपको दी गई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।